रियलमी 11 प्रो प्लस 5G वर्सेस रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G, दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है? कौन से स्मार्टफोन में आपको बढ़िया कैमरास देखने को मिल जाते हैं, किस स्मार्टफोन में आपको एक नेक्स्ट लेवल गेमिंग मिल जाएगी एंड कौन से स्मार्टफोन में आपको एक बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले भी ऑफर की जा रही है जिसमें आप काफ़ी बढ़िया मूवीज देख पाओ, सारी चीज़ों के जवाब आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सो अगर आप कन्फ्यूज हो कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की डिज़ाइन की, तो रियलमी 11 प्रो प्लस 5G में आपको बैक पर लेदर फिनिश दिया गया है एंड इसके फ्रंट पे ग्लास दिया गया है। इस फोन में आपको कर्व्ड डिस्प्ले दी जा रही है एंड इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। वही रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G में आपको बैक पर ग्लास दिया गया है एंड इसके फ्रंट पर भी उन्होंने ग्लास दिया है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इस स्मार्टफोन का भी फ्रेम जो है वो प्लास्टिक से बना हुआ है, यानी कि दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन आपको एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं मिलता है, ना ही मेटल का फ्रेम दिया गया है। Redmi Note 12 Pro Plus 5G में आपको फ्लैट डिस्प्ले दी जा रही है, यहाँ पर आपको कर्व्ड डिस्प्ले नहीं मिलती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के वेट के बारे में, तो Realme का ये जो स्मार्टफोन है वो Redmi के इस स्मार्टफोन से लाइट वेट है, बिकॉज Realme के इस स्मार्टफोन का वेट 189 ग्राम है, वहीं Redmi Note 12 Pro Plus 5G का जो वेट है वो 204 ग्राम है। Realme 11 Pro Plus 5G थोड़ा सा स्लिम स्मार्टफोन है एज कम्पेयर टू Redmi Note 12 Pro Plus 5G, बिकॉज Realme 11 Pro Plus 5G की जो थिकनेस है वो 8.7 mm है, वहीं Redmi के स्मार्टफोन की थिकनेस 8.9 mm है। जब भी आप इन दोनों स्मार्टफोन को अपने हाथ में होल्ड करोगे या फिर एक दो दिन तक यूज़ करोगे तो आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स की आदत हो जाएगी, यानी कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कौन सा लाइट वेट है या फिर कौन सा हैवी स्मार्टफोन है। Realme 11 Pro Plus 5G में आपको बैक पर जिप जैसी डिज़ाइन भी दी जा रही है जो इस फोन को काफ़ी ज़्यादा अलग लुक दे देती है। मैं आपको बता दूँ Realme के इस स्मार्टफोन में लेदर फिनिश दिया गया है जिसकी वजह से इस फोन के बैक पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं, वहीं Redmi के इस स्मार्टफोन में आपको मैट फिनिश दिया गया है इसके बैक पर जिसकी वजह से इस फोन में आपको काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स देखने को मिल जाते हैं इसके बैक साइड पर। Realme 11 Pro Plus 5G में आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको डुअल स्पीकर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहीं Redmi Note 12 Pro Plus 5G में आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं एंड इसमें भी आपको डुअल स्पीकर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आपको एक अच्छी अट्रैक्टिव डिज़ाइन चाहिए, एक लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए, तो यहाँ पर आपको Realme 11 Pro Plus 5G को परचेस करना चाहिए। लेकिन अगर आप Redmi के स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहते हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि आपको इस फोन के साथ में इसका केस यूज़ करना पड़ेगा, वरना इस फोन के बैक पर आपको बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, तो Realme 11 Pro Plus 5G में आपको 6.70 इंचेस की फुल HD प्लस कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, वहीं Redmi Note 12 Pro Plus 5G में आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा सही है, यानी कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन का काफ़ी बढ़िया कंटेंट व्यू मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले ऑफर की जा रही हैं। इन दोनों ही स्मार्टफोन आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जब भी आप इन दोनों स्मार्टफोन में कोई भी गेमिंग करोगे या फिर सोशल मीडिया ऐप्स को स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया स्मूथनेस मिल जाएगा एंड एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इन दोनों ही स्मार्टफोन आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप OTT ऐप जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon Prime पर फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, अपनी कोई भी फेवरेट मूवीज़ को वहाँ पर आप फुल HD में देख सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। Realme 11 Pro Plus 5G में आपको 950 nits का पीक ब्राइटनेस भी दिया जा रहा है, तो जब भी आप इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करोगे, चाहे कोई सा भी काम करो, लाइक मूवीज़ देखो या फिर गेमिंग करो, तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इस फोन में कोई भी चीज़ को देख सकते हो। वहीं Redmi Note 12 Pro Plus 5G में आपको 900 nits का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है, तो ये भी आउटडोर यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब भी आप डायरेक्ट सनलाइट में कोई भी मूवीज़ देखोगे या फिर कोई भी गेमिंग करोगे या फिर कोई भी अपना आर्टिकल को रीड करोगे। Realme 11 Pro Plus में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा रहा है, लेकिन Redmi के इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, दोनों स्मार्टफोन में आपको काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी पंची कलर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको एक अच्छी ब्राइटनेस लेवल वाला स्मार्टफोन चाहिए एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पर आपको जरूर से Realme 11 Pro Plus 5G को परचेस करना चाहिए। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो Realme 11 Pro Plus 5G में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो 100 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है एंड ये जो बैटरी है वो आराम से दो दिन तक चल जाएगी अगर आप एक
नॉर्मल यूजर हो, बट अगर आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो इस स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो आराम से एक दिन तक चल जाएगी। वहीं Redmi Note 12 Pro पर सभी में आपको 4980 mAh की बैटरी मिल जाती है जो 120 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। एंड इस फोन की जो बैटरी है वो भी आराम से दो दिन तक चल जाएगी इफ यू आर अ नॉर्मल यूजर। वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी साइज देखने को मिल जाता है, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको एक अच्छी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला स्मार्टफोन चाहिए देन यहाँ पर आपको Redmi Note 12 Pro सभी को परचेस करना चाहिए। ये आपके स्मार्टफोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। इन दोनों स्मार्टफोन्स में से किसी भी स्मार्टफोन में आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको NFC सपोर्ट भी मिल जाता है। Realme के इस स्मार्टफोन आपको 3.5 mm के ओरिजेक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, लेकिन Redmi Note 12 Pro साथ में आपको 3.5 mm के ओरिजेक प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो लोग भी गेमर्स हैं ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साबित है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में, तो Realme 11 Pro पर साथ ही Realme UI 4.0 पर रन करता है एंड इसमें आपको Android 13 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, जबकि Redmi Note 12 Pro पर साथ ही MIUI 13 पर रन करता है एंड इसमें आपको Android 12 दिया जा रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, जो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। बिकॉज ज़्यादातर जो स्मार्टफोन आजकल लॉन्च हो रहे हैं अंडर 50,000 रुपीज़ उनमें भी आपको Android 13 दिया जा रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, तो यहाँ पर Redmi की ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कमी है। इन दोनों ही स्मार्टफोन आपको 2 साल के OS अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि Realme 11 Pro Plus सभी में आपको Android 15 तक के अपडेट्स मिलेंगे, वहीं Redmi Note 12 Pro Plus सभी में आपको Android 14 तक के अपडेट्स दिए जाएंगे। सो यहाँ पर लेटेस्ट Android के मामले में और ज़्यादा अच्छे अपडेट्स के मामले में Realme का स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको इन दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉटवेयर भी देखने को मिल जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। एंड साथ ही में इसके UI में, यानी कि दोनों स्मार्टफोन के UI में आपको एड्स भी देखने को मिल जाते हैं, हालांकि आप उन एड्स को सेटिंग में जाकर डिसेबल भी कर सकते हो। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो Realme 11 Pro पर साथ में आपको MediaTek Dimensity 7050 का प्रोसेसर दिया जा रहा है, वहीं Redmi Note 12 Pro पर साथ में आपको Dimensity 1080 का प्रोसेसर दिया जा रहा है। एंड ये जो दोनों प्रोसेसर हैं वो 6nm के आर्किटेक्चर पर बेस्ड आते हैं। आप इन दोनों स्मार्टफोन में डे टू डे यूजर्स को या फिर सोशल मीडिया यूजर्स को या फिर मल्टीटास्किंग को आसानी से कर सकते हो, ये सभी तरह के टास्क को आसानी से हैंडल कर सकता है, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। Dimensity 7050 एंड Dimensity 1080 का जो प्रोसेसर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेसर है, आपको दोनों प्रोसेसर में काफ़ी बढ़िया गेमिंग मिल जाएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, बट Dimensity 7050 का जो प्रोसेसर है वो स्लाइटली बेटर है Dimensity 1080 के प्रोसेसर से। वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन आप आराम से COD मोबाइल, PUBG, न्यू स्टेज जैसे गेम्स को खेल सकते हो, घंटों तक गेमिंग कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर आप इन दोनों में से सिर्फ गेमिंग के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो देन यहाँ पर आपको Realme 11 Pro Plus 5G के साथ में जाना चाहिए। Realme के इस स्मार्टफोन में आपको 12GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज भी दी जा रही है, वही Redmi के इस स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज दी जा रही है, यानी कि फास्ट रैम के मामले में यहाँ पर Realme का स्मार्टफोन आ गया है। अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इन दोनों ही स्मार्टफोन आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। Realme के इस स्मार्टफोन में आपको मेन सेंसर 200 MP का दिया गया है जिसमें आपको OIS सपोर्ट भी मिल जाता है। सेकेंड इसमें आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है एंड थर्ड 2 MP का सेंसर दिया जा रहा है। वहीं Redmi Note 12 Pro पर साथ में भी आपको 200 MP का मेन सेंसर दिया जा रहा है एंड इसमें भी आपको OIS सपोर्ट मिल जाता है। इसमें आपको सेकंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया जा रहा है एंड थर्ड इसमें आपको 2 MP का सेंसर दिया जा रहा है। आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के रियर कैमरा से 4K तक वीडियोज़ को शूट कर सकते हो। Realme 11 Pro पर साथ में आपको फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया जा रहा है, वहीं Redmi Note 12 Pro पर साथ में आपको फ्रंट में 16 MP का सेंसर दिया जा रहा है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको बहुत ज़्यादा सेल्फीज लेने का शौक है देन यहाँ पर आपको Realme 11 Pro पर साथ को परचेस करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दोनों स्मार्टफोन्स में से कैमरा के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं दोनों ही स्मार्टफोन आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के इमेजेस देखने को मिल जाती हैं, उनमें आपको काफ़ी डिटेल्स भी देखने को मिल जाती हैं एंड उनमें आपको अच्छे कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप कैमरा के मामले में यहाँ पर दोनों में से कौन सा भी स्मार्टफोन पिकअप कर सकते हो, कौन सा भी चूज कर सकते हो। ऐसा आगे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो Realme 11 Pro Plus 5G को आप अंडर 25,000 rupees परचेस कर सकते हो, वहीं Redmi Note 12 Pro Plus 5G को आप अंडर 30,000 rupees परचेस कर सकते हो। अब सवाल ये होता है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगर आपको एक अच्छे अट्रैक्टिव डिज़ाइन चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी गेमिंग चाहिए एंड एक अच्छी क्वालिटी की कर्व्ड डिस्प्ले भी चाहिए देन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप Realme 11 Pro Plus को परचेस कीजिए। लेकिन वहीं अगर आपको एक अच्छा कैमरा के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले चाहिए देन यहाँ पर आपको Redmi Note 12 Pro Plus 5G को परचेस करना चाहिए।
यही था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपकी इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड घंटी के बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।